अस्पताल में MRI मशीन पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह से बंद है, ऐसा आरोप लगाते हुए सेवा फाउंडेशन की ओर से रविवार को आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द MRI मशीन मेडिकल में उपलब्ध कराई जाए। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा माना जाने वाला अस्पताल नागपुर का GMC, जहां रोजाना 4 से 5 हजार मरीज आते जाते रहते हैं, जिस पर विदर्भ समेत पूरे देश का बोझ है। लेकिन इस मेडिकल अस्पताल में MRI मशीन के लिए पिछले 2 वर्षों से पूरी तरह बंद है, जो सामान्य रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक है। साधारण गरीब मरीज 8 से 10 हजार की निजी लागत पर MRI कराने की जोखिम नहीं उठा सकते हैं, जिसके चलते इस चीज के विरोध में सेवा फाउंडेशन की ओर से रविवार को आंदोलन किया गया। इस संदर्भ में सेवा फाउंडेशन के पुरुषोत्तम भोसले ने अधिक जानकारी साझा की। पुरुषोत्तम पटनायक भोसले सेवा फाउंडेशन से नागपुर GMCH में विगत 3 साल से हम लोग सेवा फाउंडेशन की तरफ से GMCH, IGMCH और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विविध जो रुग्ण आते हैं उनको आर्थिक व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, रोज सवेरे शाम भोजन की व्यवस्था इत्यादि करते आ रहे हैं। हमें देखने में ये आया कि कोविड के दरमियान बहुत से लोगों की हेल्प की, बस उस दरमियान कोविड से के पहले से ही GMCH का MRI मशीन जो है वो विगत 2 साल से बंद पड़ी है। अनेक लोगों को बदलने के बाद भी, अनेक सूचना देने के बाद भी ये मशीन पूर्ववत नहीं पाई। आर्थिक नुकसान से ये होता है, मैक्सिमम लोगों को बाहर से MRI कराने के लिए बोलते हैं और यहाँ जो रुग्ण आते हैं सब अपना घर बार बेच के, यहाँ तक कि वो जो महिलाएं हैं अपने पति को लेके आती है तो वो अपना मंगलसूत्र भी बेच के यहाँ पे आती है। इस परिस्थिति में MRI के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये गलत बात है। इस दौरान उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द मेडिकल में MRI मशीन उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उनकी ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।